नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक नई जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लेकर आया हूं, और वो भी रेलवे विभाग में लेकर आया हूं, सेंट्रल रेलवे में। तो इसमें क्या है कि आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा कि जिस कैंडिडेट्स ने ITI प्लस अप्रेंटिस वो भी रेलवे से कर रखी है, उनके लिए जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया था उसमें बताया था कि उनको 90% मिलेगा ग्रुप डी की वैकेंसी में। तो आपके लिए जो है सुनहरा मौका है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आई हुई हैं। अब किस कैंडिडेट्स की पोस्ट हैं और कितनी जो है इसकी ओपनिंग डेट है, लास्ट डेट कब है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और साथ में जो है आप इसकी जानकारी लेते रहिए, और साथ में मैं जो है ITI संबंधित इसकी आपको जो है अप्रेंटिसशिप की और मतलब जो कॉम्पिटिशन वर्क के लिए, DRDO के लिए और रेलवे के लिए, लोको पायलट के लिए जो भी वैकेंसी आती हैं, मैं उसका जो है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं आप तक जो है शेयर करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि ओपनिंग डेट जो है इसकी आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा कि ओपनिंग डेट जो है 15/12/2022 है, और 15/1/2023 तक ये फार्म ओपन रहेगा। और इस फार्म को आप भरने के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ग्रुप डी की नौकरी ये समझिए कि आपकी हो गई। तो अप्रेंटिस पाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तीन नंबर पर बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है लगेंगे ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर आपका। ये देखिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जो है यहाँ पर दिख रहा है आपका एक नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन जो है ओनली जो है ऑनलाइन RRC मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट से में जो है वेबसाइट www.rrccr.com पर जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। साथ में जो भी कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा उसकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है यहाँ तीन नंबर पर आपको दिख रहा होगा कि मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है चार नंबर पर, मोड ऑफ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन किस टाइप से होगा। यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए अप्रेंटिस का, यदि आप ITI कर रखे हैं तो आपको जो है अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करा के रखना है। उसके साथ आपका मिनिमम जो है हाई स्कूल में 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिनिमम जो है 50% आपका अंक होना चाहिए, प्लस ITI आपकी होनी चाहिए, वो भी जिस व्यवसाय के लिए इन्होंने मांग रखा है उस स्टेट की, मतलब ITI आपकी हो। इसके बाद आपको बता रखा है यहाँ पर कि आपका सर्टिफिकेट चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हो, बस आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर प्रकार की, मतलब मुंबई में निकली हुई है कैरेज की और अलग अलग, मतलब अलग अलग वर्कशॉप की जो है वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेड का विवरण दे रहा हूँ आपका, वो ये देखिए फिटर की जो है 92 पोस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद वेल्डर की तीन पोस्ट हैं, सॉरी फिटर की यहाँ पर 182 हैं, वो जनरल की मैंने बोल दी थी, तो यहाँ पर फिटर की जो पोस्ट है वो 182 है। उसके साथ वेल्डर की 6 पोस्ट हैं, कारपेंटर की 28 पोस्ट हैं, और पेंटर की 24 पोस्ट हैं, और टेलर की 18 पोस्ट हैं। जिन कैंडिडेट्स का मैं जिन व्यवसाय का नाम ले रहा हूं वही कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ये जान लें कि उनका हाई स्कूल 50% के ऊपर होना चाहिए। साथ में आपका हर डिवीज़न के लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है, ये कल्याण डीजल सेट का इसमें अलग है, यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग और मैकेनिक डीजल का। इसके बाद फिर देखिए कुर्ला डीजल सेट का, मतलब अलग अलग जो है इसका लिंक दिया हुआ है, अलग अलग साइट पे जो है अलग अलग वर्कशॉपों पे जो है अप्रेंटिस की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रेड्स, जिन ट्रेडों के यहाँ पर दिए हुए हैं नाम, उन ट्रेडर्स के ट्रेड्स के बच्चे जो है यहाँ व्यवसायिक बच्चे वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हर वर्कशॉप, मतलब भर की जो है पोस्टें यहाँ पर निकल के रखी हैं सामने, आपके सामने। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ITI कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको सुनहरा मौका मिलेगा ग्रुप डी के लिए। अप्रेंटिस के साथ ग्रुप डी का जो है सुनहरा मौका आपको मिलेगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है वो ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकालेगा, तो उसमें आपको पूरा आरक्षण मिलेगा आपको और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी जो है कंडीशन यहाँ पर 15 साल से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। साथ में जो भी कैंडिडेट जनरल का है, SC का है, ST का है, OBC का है, उसको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके बाद
एक सर्विसमैन का भी रहता है रिलैक्सेशन। पेमेंट फीस, अब ये देखिए 11 नंबर पर पेमेंट फीस है, पेमेंट फीस रहेगी। आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन आपका पेमेंट का रहेगा, उसमें जो है आपको SBI वेबसाइट के साथ आपको जो है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में 100 रुपये का जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सक्सेसफुली होगा, सक्सेसफुल होंगे उसके बाद जो है यहाँ मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आप पर मेल आएगी, मेल में यदि आपका सिलेक्शन हो गया, ये देखिए डाउनलोड जो है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पर हाई स्कूल ITI NCVT हो चाहे OCVT हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC या OBC के कैंडिडेट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, और लास्ट डेट जो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 15/1/2000 जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मतलब एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 7,000 रुपये पर मंथ वहीं रेलवे से आपको मिलेगा। उसके बाद का आपको अच्छा है पैकेज की आपको जो है आरक्षण मिल जाएगा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब 1 ईयर का मैंने बताया ना, 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस का कहता है, मेडिकल फिटनेस भी आपका लगेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म, इसका जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर लीजिए और जो है फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप कहीं भी पेपर देंगे, कहीं भी आपसे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको आंसर देता रहूँगा, और साथ में मैं जो है वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा कि लगातार जो है आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं। और फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।